हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम आम और नारियल के बीच संवाद अध्ययन करेंगे। सुनो नारियल, मैं आम हूँ, फलों का राजा कहलाता हूँ, और मैं भारत का राष्ट्रीय फल भी हूँ। एक बात तुम भी सुन लो आम, मैं नारियल हूँ और लोग मुझे श्रीफल कहते हैं। तो क्या हुआ नारियल, तुम्हें पता है ना आम कितना स्वादिष्ट है, सब आम को पसंद करते हैं। तुम भी सुन लो आम, नारियल में विटामिन बी और मिनरल काफी मात्रा में होता है, साथ ही नारियल में पोटेशियम, कैल्शियम तथा फाइबर भी होता है, इसे जीवनदायी भी कहते हैं। नारियल के पानी में सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, इसमें कैलोरी भी होती है, लेकिन यह सरलता से पच जाता है। आम भी कई प्रकार के होते हैं, नारंगी, पीला, हरा आदि रंगों के आम पाया जाता है। आम की कुछ प्रजातियां बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लंगड़ा आम, हाफूस आम, फजली आम, सुंदरी आम, मालदा आम, दशहरी आम आदि प्रमुख है। ये सभी आम खाने में बहुत ही मीठे होते हैं, लेकिन इनमें लंगड़ा आम अधिक लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और यह खाने में भी बहुत मीठा होता है। ज्यादातर ये आम ही लोग खाते हैं। अच्छा, नारियल से शरीर में ताकत आती है और इसका पानी पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, इसके बहुत से फायदे होते हैं। नारियल में काफी अधिक एंटीबैक्टीरियल और एंटी पैरासाइट गुण पाए जाते हैं, जिससे शरीर संक्रमण से दूर रहता है तथा बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। अच्छा, हमारे यहाँ शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने आम नहीं खाया होगा। आम का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। आम का स्वाद कभी हमें मीठा लगता है तो कभी खट्टा। यह विश्व के स्वादिष्ट फलों में से एक है। आम शुरू में जब पूरा पक्का हुआ नहीं होता है तो खट्टा लगता है, लेकिन जब पूरा पक जाता है तो यह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। आम फलों का राजा कहलाता है। नारियल पानी से शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है, शरीर से अनावश्यक फैट कम होता है। नारियल खाने से उल्टी और जी मचलाने की समस्या भी कम होती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आज के समय में आम की बर्फी बनाई जाती है, आम की आइसक्रीम बनाई जाती है, और भी आम से कई प्रकार के खाने के व्यंजन बनाए जाते हैं। आम को सुखाकर इसका चूर्ण भी बनाया जाता है। ठीक है आम, बाकी बात और कभी करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।